फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जेटेक में। आज का जो वीडियो है वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूपीएसई से काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके डाउट्स हैं, प्रोसेस क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, उनका फी क्या है, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो बिल्कुल भी किसी एक पर्टिकुलर बीटेक एमबीए जितने भी से रिलेटेड नहीं है। जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वीडियो उसी से रिलेटेड है। पूरे प्रोसेस को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्री स्लॉट विड्रॉल जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए कि काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है एक ही ट्यू में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं काउंसलिंग राउंड्स की बात कर लूँ। 2017 तक काउंसलिंग राउंड 5 राउंड की काउंसलिंग होती थी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। लेकिन 2018 में इसे घटा के 3 राउंड कर दिया गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका रीज़न बताया था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर बार जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं यूपीटी में वो 90,000 होते हैं। काउंसलिंग राउंड्स कम होते वो करीब 30,000 रह जाते हैं, बाकी सब विड्रॉल कर जाते हैं। इससे होता क्या है, यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ 2017 में, इसलिए उसने 2018 में नंबर ऑफ राउंड्स घटा दिए, जो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक था। 2019 में भी ये सेम रहने वाला है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। ऑल्दो अगर यूनिवर्सिटी ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बहुत सारा टाइम बस काउंसलिंग राउंड में ही चला जाता है और उसको बिल्कुल भी इससे बेनिफिट नहीं होता है। चलिए अब मैं इस राउंड के बेसिस पे आपको डिस्कस करूँगा कि फर्दर क्या क्या है। ये मैं थर्ड राउंड को एडवांटेज मार्क किया हुआ है। ये बिल्कुल एक थर्ड राउंड एक एडवांटेज वाला राउंड है। अगर आपको एडवांटेज राउंड का मतलब पता करना है तो आप मेरे वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस 2018 में वीडियो अपलोड किया था, थर्ड राउंड एक एडवांटेज राउंड क्यों है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं पूरा इसको डिस्कस करने लगा तो इस वीडियो में ही मैं थर्ड राउंड की बात करता रह जाऊँगा। पूरे प्रोसेस को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में क्या होगा, देखिए सबसे पहला स्टेप जो आएगा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में, वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिस मान लीजिए कि 21st को काउंसलिंग है आपका फर्स्ट राउंड का, तो आपने जैसे ही इसको लॉगिन किया, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर से मतलब आपके कुछ प्रीवियस डिटेल्स उसमें पहले से होंगी, कुछ नए डिटेल्स आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डन किया, आपका जो सेकंड प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का होता है। मैं बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन है। डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में वेरियस स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में नोटिफाई किया जाएगा उसकी वेबसाइट को, यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे ही वो एक नोटिफाई करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैं बता दूं प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन होगा वो जेपीईजी और जितने भी फॉर्मेट है वो एक उसमें आप स्कैन कॉपी सबका अपलोड करना होगा आपको उसकी वेबसाइट पर। तो आप पहले से ही, अगर मैं तो कहूँ, आप सेव करके उसे रख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो डिपेंड करता है आपने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फिल किया है। फॉर एग्जांपल, जो पहले से फिल है, जैसे कि लेके चलते हैं कि अगर आपने रूरल वेटेज क्लेम किया हुआ है तो आपको जो सर्टिफिकेट नंबर 7 है वो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फीवर सीट है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर 12 है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने SC ST जो भी आपने चुना हुआ है वो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन प्रोसेस में अपलोड होगा। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोडेशन प्रोसेस आपने डन कर दिया, आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा। इसके लिए UPSEE 24 to 28 आवर्स लेती है। इस प्रोसेस के में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, मोस्टली 24 आवर्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। एक OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन डन हो गया है। फर्दर, जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन राउंड डन नहीं होगा, आपका चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग ओपन नहीं होगा, ठीक है। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता है, आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद, अब चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा आगे भी डिस्कस करूँगा फ्रेंड। पूरा वीडियो एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज है, आप इसको पूरे प्रोसेस के साथ समझेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ऑल्दो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो एक आप मान के चलेंगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
मैं वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है मैं डिस्कस करता रहूँगा, ये बिल्कुल आपके लिए भी हेल्पफुल है। चॉइस फिलिंग में क्या है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग में चॉइसेस कितनी भर सकते हैं कॉलेज की। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप बहुत सारे चॉइसेस भर सकते हैं। आप मान के चलिए कि 200-300 चॉइसेस भी भर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा करना मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप बहुत सारे चॉइसेस भर दें। आप चाहें तो एक चॉइस भी भर सकते हैं, वो भी आप पर डिपेंड करता है। चॉइसेस कैसे भरनी है वो आप कट ऑफ को चेक कीजिए, अपने कट ऑफ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप कट ऑफ को कैसे चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से चॉइसेस को आप फिल कीजिए। एक बार आपने चॉइसेस को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, मैं चॉइसेस के लिए आगे भी बात करूंगा, लेकिन ये ओवरव्यू है तो मैं बता दूं। आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद आपके 3-4 दिन वो लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका 27 जून को चॉइस लॉकिंग डन हुआ है तो आपका 1 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद वो आपको पे एक्सेप्टेंस फी करना पड़ेगा। पे एक्सेप्टेंस फी मतलब काउंसलिंग फी, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है, ओबीसी एसटी के लिए होता है, 20K और 12K, ये आपको पे करना पड़ेगा। ये पे करना कंपलसरी है। अगर आपने इसको पे नहीं किया आप ऑटोमेटिक पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे, फिर आप डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, इसके बीच में आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप देखिए फॉर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर लूँ, अगर आपको सीट अलॉट होती है तब भी आपको पे एक्सेप्टेंस फी करना पड़ेगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब भी आपको पे एक्सेप्टेंस फी करना ही पड़ेगा। एनी हाउ ये आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है वो इसी से रिलेटेड रहता है, तो मैंने इसे प्रॉपर बताना जरूरी समझा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए सेकेंड राउंड में क्या होता है। सेकेंड राउंड में अब यहाँ पे मैं एक और डाउट लेता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि जरूरी है कि वो फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करें। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। मैं इसके बाद आपको डिस्कस करूँगा कि सीट एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब यूपी एकेटीयू में सीट कैसे डिसाइड होता है, उनके कैसे पता चलता है कि कितने कितने रैंक तक जाएगा या मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल चलिए थोड़ा और बताता हूँ मैं। सेकेंड राउंड में भी सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं मतलब जो फर्स्ट राउंड में आए थे उन अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद सॉरी थोड़ा सा मैं रह गया आपके जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते थे 2017 तक, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल। 2018 में विड्रॉल ऑप्शन को हटा दिया गया। रीज़न ये है कि आप काउंसलिंग में एक बार आ गए तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं जा सकते। UPSEE ने इसको साफ नोटिफाई किया था, मैंने इसको इसका रीज़न भी बताया था। तो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन होगा, आइदर फ्रीज और फ्लोट। और फ्रीज क्या है, अगर आपने जैसे ही फ्रीज कर दिया मतलब आप उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीट है वो अलॉट हो गई, आप उससे सहमत हैं। जैसे ही आप उसे फ्रीज पे क्लिक कर देंगे आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। आपको अलॉटमेंट लेटर को अपने कॉलेज में लेके जाना है और फर्दर एडमिशन के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। अगर आपके फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और आपकी जो है आपको मान लीजिए कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मान लीजिए आपने जो भी चॉइसेस भरे बिल्कुल भी उनमें से कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर आपने आप जो प्रायोरिटी सेट की थी, प्रायोरिटी सेट भी मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल आप समझ जाइए कैसे। फॉर एग्जांपल आपने जो टॉप का जो ऊपर रखा था वो आपको अलॉट नहीं हुआ, बल्कि आपने जो एक लोअर ग्रेड कॉलेज अलॉट हो गया, तो उस केस में भी आप फ्लोट क्लिक कर सकते हैं। फ्लोट में आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। 2016 तक फ्लोट के चार्जेस होते थे, हर राउंड में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 2000 आपका डिडक्ट होता रहेगा। जैसे कि इन केस 2018 में भी सेम ये रिपीट हुआ था, 2019 में भी यही प्रोसेस है, जैसे ही आप होने वाला है सॉरी होगा यही कि आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इन केस अगर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, इन केस अगर आपको पूरा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है फर्स्ट राउंड में तो आपको 2000 रुपीज जो है आपका डिडक्ट नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो गया लेकिन आप उससे सहमत नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको एक लोअर ग्रेड का अलॉट हो गया और आपको चाहिए था कि आपको उससे ऊपर वाला मिल सकता था, फॉर एग्जांपल जैसे CSE चाहिए था लेकिन आपको गलगोटिया CSE अलॉट हो गया, तो उस केस में अगर आपने फ्लोट किया तो बिल्कुल आप एक आगे बढ़ जाएंगे जो कि अपग्रेडेशन। फ्लोट मतलब अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, मतलब आपको जो मिला है उससे सहमत नहीं है, आपको टॉप प्रायोरिटी वाली चाहिए, तो आप उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। UPSEE आपके 2000 डिडक्ट कर लेगा ये, लेकिन आपको उसमें कुछ भी डिडक्ट कर लेगा ये, आपके कॉलेज के टाइम पे जो फी है उसमें ये ऐड होता है काउंसलिंग की फीस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड राउंड में क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड में सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं जो फर्स्ट राउंड में थे, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन ये, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है, मैं उसका प्रॉपर आंसर करता हूँ कि जरूरी है कि वो फर्स्ट राउंड में सब लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप बिल्कुल अपने मेरिट के हिसाब से जाइए, आप बिल्कुल सेकेंड राउंड में फ्रेशली आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको दोबारा से सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, मतलब दोबारा से नहीं, मतलब जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको वही सेम प्रोसेस जो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग जो भी है उसका भी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेंट थे अगर वो सेकेंड राउंड में आए हैं तो उनका क्या? फॉर ओल्ड कैंडिडेट्स आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप अपने आप आपको बस रिजल्ट का वेट करना है सेकेंड राउंड का। जैसे ही आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है, आप में अगर अपग्रेडेशन हुआ तो आपको फॉर एग्जांपल आप जैसे चाहते थे जैसे चाहते थे आपको गलगोटिया मिला हुआ है, लेकिन जैसे अगर वो अपग्रेड हो गया तो आपको जैसे मिल जाएगा। वहाँ भी आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो आइदर फ्रीज और फ्लोट। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फ्लोट होगा फिर आप थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी थर्ड राउंड का क्या सीन है, थर्ड राउंड को मैं एडवांटेज राउंड कहता हूँ। एडवांटेज राउंड से मेरा क्या लेना है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थर्ड राउंड में भी सेम स्टेप्स होंगे, जो न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट्स बिल्कुल जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे आपको सारे प्रोसेस करने हैं, ठीक है, जो मैंने आप रिपीट किए थे। और जो सेकेंड राउंड से जो थर्ड राउंड में आए उनको बस रिजल्ट का वेट करना है। जैसे रिजल्ट आएगा फिर उनके पास दो ऑप्शन आएगा, सॉरी थर्ड राउंड में एक ही ऑप्शन आएगा फ्रीज का, और शायद थर्ड ऑप्शन में विड्रॉल का भी ऑप्शन डाल दें, जो लास्ट टाइम नहीं डाला था जिसकी वजह से पूरा यूपीएससी काउंसलिंग में लूप होल क्रिएट हो गया था, तो शायद इस बार वो डाल सकते हैं। अगर नहीं डाला तो फिर से वही मिस्टेक्स होंगी जो पिछली बार हुई थी, और बल्क में सीटें वैकेंट हो जाएगी। यूपीएसडब्ल्यू कभी ऐसा नहीं चाहेगी, तो थर्ड में वो विड्रॉल का ऑप्शन डाल सकते हैं। अब सीट अलॉटमेंट एल्गोरिथम क्या है यूपीएसडब्ल्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे प्लीज़ समझिए। बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। मेरिट लिस्ट अरेंज इन रैंक्स, आपका जो मेरिट लिस्ट होता है वो उसी हिसाब से बनता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सबको फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है। अब एग्जांपल के लेके चलिए कि जेएसएस का जो फर्स्ट राउंड का सीएसई है, मैं क्यों जेएसएस को बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में है, बहुत सारे लोग डिमांडिंग में है तो उसी के बारे में पूछते हैं। आप इसे वेरियस बी फार्मा MBA वगैरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जो आपके टॉप की प्रायोरिटीज हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपको जेएसएस की सीट एल्गोरिथम कैसे होगी सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3000 जैसे फर्स्ट राउंड में तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट रहता है कि सबको फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है। चलिए मैं एक टॉप के कॉलेज की बात कर दूं, जो इसका कट ऑफ बहुत ही लो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जेएसएस की बात कर लूँ सीएससी ब्रांच के लिए, तो अगर तो सबका डाउट यही रहता है कि सारी सीएससी की सीट जो है वो सारी अलॉट कर देते हैं यूपीएसडब्ल्यू फर्स्ट राउंड में, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, मेरिट लिस्ट में जितनी उन्हें अलॉट होनी चाहिए उतनी ही होती है, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं होती है। फर्दर वो सेकेंड राउंड में भी सीटें वैकेंट रहती है, ऑल्दो पहले भी यूपीएसडब्ल्यू ऐसा ही करती थी, लेकिन हर बार 2018 में तक भी उन्होंने जो जितनी भी सीट वैकेंट रहती है उसकी वो डिटेल एक ERP के थ्रू शो करते हैं, जो कि यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप उस ERP को चेक करेंगे तो जितनी भी सीट्स फर्स्ट राउंड में जितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया, कितनी सीट वैकेंट रह गई, फिलहाल मेरे पास वो डाटा नहीं है वरना मैं आपको दिखाया था, मैंने पिछली वीडियो में वो दिखाया होगा, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। तो वो ERP रहता है, ERP के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें खाली रह गई और कितनी भरी। किसी भी कॉलेज की फर्स्ट राउंड में पूरी सीटें नहीं भरती हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप सबको फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर लेना है, ठीक है। जिनकी भी रैंक 30,000-20,000 अबव है, मैं बिल्कुल भी उनको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल फर्स्ट राउंड में जाएँ, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में जाएँ और पार्टिसिपेट करें, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। ध्यान रखिए फ्रेंड, मेरिट वाइज ही सीट अलॉटमेंट होता है, जो मेरिट में फिट होंगे उन्हीं को सीट मिलेगी, नहीं तो वो अब ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारी सीटें फर्स्ट राउंड में बुक हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यूपीएसडब्ल्यू मेरिट निकालती है, मेरिट के हिसाब से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसा बिल्कुल है कि जेएसएस में कंप्यूटर साइंस की सीटें कुछ थर्ड राउंड तक खाली रहेंगी, ऐसा होता है हर बार, और थर्ड राउंड में जो कट ऑफ होगा उसी के हिसाब से वो फुलफिल होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आगे वहाँ पे छोड़ दिया था, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग एल्गोरिथम, इसको समझते हैं। UPSEE में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैंने एल्गोरिथम का नाम लिया है। देखिए दो तरह से चॉइस फिल होती है, एक तो अनलिमिटेड चॉइस, आपका कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने कॉलेज भरें, उनकी कितनी सीटें भरें, आप अनलिमिटेड भर सकते हैं, भरते जाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली आप इसके पीछे एक एनालिसिस करिए कि आपको कितने भरने हैं, क्या आपको कट ऑफ में लाई कर रहा है, तो आप उसी के हिसाब से भरिए। बहुत ज़्यादा भरने का भी कोई बेनिफिट नहीं है और बहुत कम भरने का भी कोई बेनिफिट नहीं, ऑल्दो आप एक भी भर सकते हैं वो भी चलेगा। अब ये प्रायोरिटी सेट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रायोरिटी सेट है, बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी में गलती करते हैं और पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। अब ये क्या है गलती और इसे देखते हैं। चलिए प्रायोरिटी सेट एक्सप्लेनेशन, मान के चलिए कि आपने चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको हायर प्रायोरिटी जिसको रखनी है उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं JSS नोएडा की बात करूं, इसकी CSE चाहिए मुझे तो सबसे ऊपर इसको रखूंगा, उसके बाद में अजय कुमार गर्ग की CSE चाहिए मैं उसको उसके नीचे रखूंगा, गलगोटिया चाहिए गलगोटिया की CSE चाहिए मैं उसको उसके नीचे रखूंगा, फिर काइट है उसकी CSE उसके नीचे रखूंगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है ना, ऑन एंड सो ऑन आप बढ़ाते जा सकते हैं जितनी आपकी चॉइसेस फिल करनी है, ठीक है। ये तो होगा क्या फ्रेंड्स, जब सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के दौरान वो आपकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो सबसे ऊपर होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब आपने उसी को दी है तो वही उसी के हिसाब से अलॉट होगा, ठीक है। तो आप इसको आपको ये समझ में आया होगा आयो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं, मैं इस पॉइंट पे खास फोकस करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लास्ट टाइम भी यही हुआ था और 20,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब्त हो गए थे। अब रीज़न बताता हूँ क्या, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी प्रायोरिटी सेट में, फॉर एग्जांपल आपने गलती से भी किसी लोअर ग्रेड कॉलेज को ऊपर डाल दिया, आपको चाहिए था JSS, आपने GL बजाज को ऊपर डाल दिया, ठीक है, आपको पहले ही राउंड में GL बजाज अलॉट हो जाएगा। इन द केस कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया जो कि एक लोअर ग्रेड कॉलेज है, जो ऊपर आपको अलॉट हो गया, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कोई चेंजेस अलाउड नहीं है अगर आपकी प्रायोरिटी ऊपर की सेट हो गई। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है प्रायोरिटी। मान लीजिए कि आपको ये आपने एक अरेंज प्रायोरिटी में सेट हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको गलगोटिया अलॉट हुआ है तो चांसेस बिल्कुल हैं कि अगले राउंड में आपको अजय कुमार गर्ग मिल जाए, उससे अगले राउंड में JSS नोएडा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे GL बजाज अलॉट हो गया तो बिल्कुल जो फर्स्ट उसमें है तो आपको कोई चांसेस नहीं है। अब यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया सुन लीजिए ध्यान से, इनकेस अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो उसको फ्रीज किया ना कोई फ्लोट किया, ठीक है ना, तो आपको उस केस में भी पे सीट एक्सेप्टेंस फी करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की आप ऑटोमेटिकली सारे काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने कर दी तो आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो आपके जितने भी 20,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ है UPSEE जब्त कर लेगी। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बच्चों ने गलती की थी, उनके सारे पैसे जब्त हो गए, अभी रिफंड नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, मैंने रिफंडेबल की जितने पॉसिबिलिटीज थी मैंने बताया, कुछ लोगों के हुए कुछ लोगों के नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मेट में अरेंज करना है। आई होप मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप ऑल्दो एक प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें UPSEE अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के रूप में डालेगी जब उसमें होगा, लेकिन लोग इधर उधर की बातें सुनते हैं उसे वो पढ़ते नहीं है। तो बिल्कुल आपको UPSEE की वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करता रहना है, उसी को आपको चेक करते रहना है उसी के हिसाब से। अब काउंसलिंग डेट की बात करते हैं, काउंसलिंग डेट कब से है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप UPSEE की वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी तक भी डेट्स का कोई जिक्र नहीं आया है। मैं बता दूं कि 2-3 दिन में आपको ये नोटिफाई करेंगे UPSEE वाले कि आपकी डेट्स कब से है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी एक रिव्यू के लिए आपको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा कि आपको प्रॉपर पहले से आप उसकी थोड़ी तैयारी कर लें। अभी डेट है जो लास्ट वीक ऑफ सॉरी काउंसलिंग का डेट है जून से जुलाई में ही आएगा। अब बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ये लिखा है, कोई कह रहा है कि इस यूट्यूब चैनल ने बता दिया है कि ये डेट कब आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको UPSEE को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपको न्यूज़पेपर को भी नहीं मानना है। आप डेली इसको विजिट करिए, अगर उन्होंने यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन में डाला है कि डेट तब है तब उस डेट को मानिए, वरना नहीं, क्योंकि जनरली UPSEE पूरा नोटिफाई करेगी बिना
कोई इसका न्यूज़पेपर में भी नहीं आएगा और ऐसे भी आप इसे पता नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई कर दूंगा। ऑल्दो अगर आपको मेरे को पर्सनल गाइडेंस, मेरे को कुछ पर्सनल पूछना है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, ब्लॉकिंग से रिलेटेड, या फिर आपको उस समय पे कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे होगा। आपको एक 200 रुपीज़ जो है मुझे एक फ़ी के रूप में देना पड़ेगा जो कि काउंसलिंग गाइडेंस फीस है। उस दौरान मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं सॉल्व कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।